आसमान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जुबैर यूनुस हेल्थ टिप से। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ब्लॉगर पर कंटेंट डालते हैं उसमें कॉपीराइट आता है। तो दोस्तों, हम आपको यही ट्रिक बताते हैं कि कभी किसी भी वेबसाइट से हम कोई कंटेंट लेते हैं और वो लेने के बाद हम अपने ब्लॉग पर उसको डालते हैं तो उसमें कॉपीराइट आता है। तो दोस्तों, अगर इस तरीके से कोई आपको टिप्स दिखाए या बताए कि कॉपीराइट कंटेंट लेने के बाद भी कॉपीराइट नहीं आता है, तो इसी सिलसिले में हम आज आपके बीच आए हैं ये वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और हम दिखाते हैं कि कोई भी कंटेंट हम किसी भी वेबसाइट से लेकर उसको ये ट्रिक इस्तेमाल कर कॉपीराइट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम अपने ब्लॉग पर कंटेंट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए, ये है मेरा ब्लॉगर। तो दोस्तों, हम अपने ब्लॉग पर आ गए और हमें जाना है दोस्तों, जैसे कोई वेबसाइट पर हमें लेना है कोई भी कंटेंट, तो हम वो कंटेंट आपको लेकर दिखाते हैं और किस तरीके से उसको कॉपीराइट नहीं आता है। तो दोस्तों, हमें जाना है, मान लीजिए किसी भी वेबसाइट पर हमें ये कंटेंट लेना है। तो दोस्तों, हमने ये कंटेंट आपको दिखाने के बतौर, तो दोस्तों आप देखिए, हम ये कंटेंट लेंगे। ये है सेट्रिन, जो एंटी हिस्टामिन टेबलेट होती है, उसके कुछ टिप्स दिए हैं, उसके बारे में ये जानकारी है। तो दोस्तों, हमें इसको यहाँ से कंटेंट कॉपी करना है। तो दोस्तों, हमने ये कॉपी यहाँ से किया, आप देख सकते हैं, हमने ये यहाँ से इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमें दोस्तों जाना है अपने दूसरी वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आप देखिए, हमें जाना है यहाँ, और हमें यहाँ जाने के बाद हमें पहुँचना है, हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से कॉपीराइट। तो दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको कॉपीराइट किस तरीके से आता है और किस तरीके से इसके टिप्स होते हैं। तो दोस्तों हमें जाना है अपने SEO पर, स्मॉल SEO पे। तो दोस्तों, हम दिखाते हैं, हमने ये कंटेंट यहाँ पे डाला, ये इसका बॉक्स है। दोस्तों, ये वेबसाइट है SEO, स्मॉल SEO टूल। हमें यहाँ जाकर दोस्तों, हमने इसमें कंटेंट अपना जो कॉपी किया था वो कंटेंट हमने इसमें डाल दिया। अब आपको दिखाते हैं कॉपीराइट कितना है और उस कॉपीराइट को ख़त्म किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ, हमें प्रेस करना है। यहाँ प्रेस करने के बाद ये दिखाएगा आपको कि इसमें कितना कॉपीराइट है। तो दोस्तों, ये प्रोसेसिंग में चल रहा है और प्रोसेसिंग में चलने के बाद आपको ये दिखाएगा कि इसमें कितना ये यूनिक है और कितना इसमें तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कॉपीराइट कितना आ रहा है, ये दिखाते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, ये है इसमें कॉपीराइट 100% ये दिखा रहा है, और यहाँ है यूनिक, ये यूनिक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ये 100% यानी कि इसमें पूरा कॉपीराइट आ रहा है। अब दोस्तों, हमें इसको कॉपीराइट ख़त्म करना है, ये किस तरीके से करते हैं तो दोस्तों हम आपको यही दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारे किस तरीके से हम अपना ये कंटेंट को कॉपीराइट से ख़त्म मुक्त करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ से इसको कॉपी किया। दोस्तों, हमने कॉपी करने के बाद हम ये हमने कॉपी कर लिया। अब दोस्तों, कॉपी करने के बाद हमें दूसरी वेबसाइट पर जाना है। तो दूसरी वेबसाइट है दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं, ये है दूसरी वेबसाइट जहां से हमें कॉपीराइट बिल्कुल ख़त्म करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, हम इस वेबसाइट पर आ गए। ये है स्पिनबोट, आप देखिए दोस्तों, ये है स्पिनबोट। इस वेबसाइट पर हमें
दिखाना है कि कंटेंट डालकर वो किस तरीके से कंटेंट डालकर कॉपीराइट नहीं आता है। तो दोस्तों ये है इसका बॉक्स, आप देखिए यहाँ पे हमें वो कंटेंट डालना पेस्ट करना है, और पेस्ट करने के बाद किस तरीके से हम पेस्ट करते हैं आप देखते रहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पेस्ट किया इसको, तो दोस्तों आप देखिए कि हमने जो कंटेंट वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ रिपोर्ट पर टिक लगाना है। यह है दोस्तों रिपोर्ट, यहाँ पर हमें टिक करना है, और टिक करने के बाद दोस्तों ये अपने प्रोसेसिंग में चल रहा है। प्रोसेसिंग में चलने के बाद ये आपको यहाँ राइट हो गया। अब हमें दोस्तों यहाँ गो पर प्रेस करना है, ये है गो, इस पर प्रेस करना है, और ये आप स्पेस देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ ये स्पेस, ये ब्लॉक जो है ये खाली है। जब हम गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो अपना दिखाएगा किस तरीके से, देखिए आप। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग में चल रहा है, प्रोसेसिंग में चलने के बाद ये कॉपीराइट ख़त्म कर देगा। अब देखिए दोस्तों ये आ गया यहाँ पे इसका कंटेंट, जो कॉपीराइट हमारा बनता अगर हम इसी ब्लॉक को, हम अपने इसी कंटेंट को उस ब्लॉक पे डाल देंगे तो वहाँ 100% कॉपीराइट आएगा। लेकिन अब हमने ये इसको इसके माध्यम से हमने यहाँ पे इसको किया है, अब ये दिखा रहा है ये हमें कॉपी करना है। तो दोस्तों हम दिखाते हैं कॉपी करने के बाद ये कॉपीराइट नहीं आएगा और फिर यही कंटेंट हम अपने ब्लॉग पर डाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें कॉपी करना है इसको, ये हमने कॉपी किया, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये हमारा जो कंटेंट है वो कॉपी हो चुका है। तो दोस्तों ये हमने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद हमें जाना है स्मॉल SEO टूल में। तो दोस्तों स्मॉल SEO टूल में ये इसका कॉलम है, यहाँ आप देख रहे हैं ये इसका कॉलम है, यहाँ हमें उसे जो कंटेंट लिया है उसे यहाँ पेस्ट करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पेस्ट किया, दोस्तों ये हमने जो कंटेंट वहाँ से लिया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। अब पेस्ट करने के बाद हमें दोस्तों चेक करना है, तो दोस्तों ये बताएगा कि इसमें कितना कॉपीराइट है और कितना यूनिक है ये। तो अब ये दोस्तों प्रोसेसिंग में चल रहा है, प्रोसेसिंग में चलने के बाद ये हमें दिखाएगा कि कॉपीराइट कितना आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये कंटेंट जो हमने डाला है वो कॉपीराइट दिखा रहा है, कितनी कॉपीराइट है। देखिए दोस्तों पहले दिखा रहा था यहाँ 100% कॉपीराइट, अब ये हो गया 0, अब ये दिखा रहा है 100% यूनिक, यहाँ पे कोई कॉपीराइट नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये है 100% यूनिक और ये है कॉपीराइट, जहाँ 0% है अब कॉपीराइट, अब ये यूनिक हो गया। इसी तरीके से दोस्तों हम इस कंटेंट को जो हमने पेस्ट किया है यहाँ से हम उसको कॉपी करके अपने ब्लॉग पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा टिप्स, और ये आपको वीडियो कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपना कंटेंट दूसरा जो हमने अभी कॉपी किया है वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, डालने के बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उसको ब्लॉग बना। तो दोस्तों आप देखिए हम आ गए यहाँ अपने ब्लॉग पर, अब हमें यहाँ न्यू पोस्ट पे प्रेस करना है। तो दोस्तों ये आ गया न्यू पोस्ट, जहाँ हमें वहाँ से जो हमने कंटेंट कॉपी किया था वो यहाँ हमें पेस्ट करना है।
तो दोस्तों हम आ गए यहाँ, हमने यहाँ पे प्रेस किया और उसी को पेस्ट करेंगे यहाँ। तो दोस्तों आप देखिए, जो हमने कंटेंट लिया था उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें अपने ब्लॉग के लिए एक कंटेंट मिल चुका है जिसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। दोस्तों इससे जो है टाइम की भी बचत होती है और हमारा ब्लॉग जो है वो आगे रैंक करेगा, क्योंकि हम कंटेंट अच्छे अच्छे डालेंगे और काफ़ी कंटेंट डालेंगे, तो इस वजह से हमारा गूगल में ब्लॉग रैंक करेगा। और यही ट्रिक हमने आपको दिखाई। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर अगली वीडियो में फिर कोई नई टिप्स के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।